राजाराम धनी मंदिर पर गुरु पर्व समारोह। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी शुभंकरपुर स्थित बाबा राजाराम धनी मंदिर पर आसीन के कृष्ण पक्ष को दसवीं तिथि को होने वाले गुरु पर्व समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस पर्व समारोह में साधु संतों की टोली अलग अलग टोली बनाकर सुबह से ही आकर भजन कीर्तन कर बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं। यहाँ दरभंगा मिथिला क्षेत्र के अलावा समूचे बिहार, यहाँ तक कि नेपाल तक के बाबा के भक्त आज के इस पवित्र दिन पर बाबा की पूजा करते हैं। मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है और मनोकामना पूर्ण होने पर भक्तगण मंत्र के रूप में माने गए प्रसाद को यहाँ चढ़ाते हैं। वर्षों से यहाँ चढ़ावे के रूप में चढ़ाए गए शुद्ध घी, चीनी, सूजी, मेवा आदि से हलवा का महाप्रसाद बनता है, जिससे आए हुए भक्तों दोनों के बीच में वितरण किया जाता है। इस संबंध में बताते हुए बाबा राजाराम धनी मंदिर प्रबंधक समिति के सदस्य स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता बालिंदु झा बालाजी ने बताया कि महीनों से प्रबंधक समिति के कार्यकर्ताओं की मेहनत, पूरे शहर वासियों, ग्राम वासियों के सहयोग से इतना बड़ा धार्मिक आयोजन सफल हो पाता है। प्रबंधक समिति के सचिव विकास कुमार छोटू, स्व सचिव रोहित कुमार, नीतीश कुमार, कोषाध्यक्ष राजकुमार राय, स्व कोषाध्यक्ष लक्ष्मण कुमार, उपाध्यक्ष परशुराम राय और सदस्य के रूप में विजय कुमार राय, ललित दास, सामुदेव कुमार, राजकुमार, किशन देव कुमार, संजय कुमार राय, विकास कुमार झा, सोनू कुमार चौधरी, पंकज कुमार, राजा कुमार, दिनेश राय, सुरेश राय, अर्जुन कुमार, राहुल कुमार, अमित कुमार, रवि चौधरी, विशाल कुमार, मिथिलेश कुमार, राजेश कुमार, मनीष कुमार, रोशन कुमार, रोहित कुमार, अमित कुमार, मिट्ठू कुमार आदि कई कार्यकर्ता कई दिनों से इस समारोह को सफल बनाने में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी दे रहे हैं। आज के दिन शुभंकरपुर के स्थित यह प्रसिद्ध बाबा राजाराम धनी मंदिर प्रांगण में बाबा राजाराम धनी मंदिर प्रबंधक समिति के द्वारा गुरु पर्व का यह महापर्व आयोजित किया जाता है, जिसमें दूर दूर से दरभंगा, मिथिला, बिहार नहीं अपितु नेपाल तक के लोग इस गुरु पर्व समारोह में शरीक होने के लिए आते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं और यहाँ शुद्ध घी में जो भोग बाबा का हलवा लगता है उसका प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं। दूर दूर तक बाबा की ख्याति है। माना जाता है कि बाबा से सच्चे मन से जो मनोकामना मांगी जाती है वो बाबा राजाराम धनी निश्चित ही पूरा करते हैं और जिनका यह मनता पूरा होता है वो अपना जो उनको मनता किए रहते हैं उसके रूप में यहाँ घी, चीनी, हलवा चढ़ाते हैं और वही महाप्रसाद लोगों में वितरित होता है। आप पीछे देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में हलवा बन रहा है। अभी से भक्तों की कतार लगी हुई है। प्रबंधक समिति के लोग लगातार एक महीना के लगातार मेहनत का यह सजावट और यह व्यवस्था आप देख रहे हैं। प्रबंधक समिति के कार्यकर्ता लगातार एक महीना से लगातार लगे हुए हैं इसे सफल बनाने में। कब से हो रही है ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है। और सैकड़ों वर्षों से बाबा का यह समाधि है और सैकड़ों वर्षों से यह पूजा इसी प्रकार होता आया है और पिछले बार कोरोना गाइडलाइन में थोड़ा विधिवत कम हुआ था, इस बार भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग इस कार्यक्रम को विधिवत पूजा कर रहे हैं। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।